आज पाकोला मिल्क नहीं है और आज कोई नई चीज़ हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। भाई ये कौन सा जूस है? यहाँ चिकन बिरयानी है और यहाँ अफगानी पुलाव है। ये फ्यूचर, यहाँ पे एक बर्ड नुमा चीज़ जो है वो उड़ रही है और इसको कंट्रोल कर रहे हैं वो पीछे भाई खड़े हुए हैं ऊपर वहाँ पे। इतना बड़ा ड्रोन मैंने अभी तक नहीं देखा भाई। हम लोग वापस जो है वो ज़मीन पे जा रहे हैं। ये आप चेक करें ज़रा, ऑडी की कोई ख़तरनाक किस्म की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। साइकिल का सीन आप चेक करें। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई एक दिन का स्टे है दुबई के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई नई जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो अभी एक नई जगह है म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर। तो रोज़ा है, गर्मी टाइट है और मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही होटल में चेक इन किया है और एयरपोर्ट बिल्कुल मेरे बैक साइड पर। तो अब हम जा रहे हैं, टैक्सी भी लकीली मिल गई है, म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर। भाई अब हम लोग निकल रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर के लिए और ये अच्छा हुआ टैक्सी मिल गई, क्योंकि मैं दुबई पहुँचा हूँ और होटल में जैसे ही पहुँचा हूँ तो तकरीबन जो है ना नमाज वमाज़ पड़ी और 4 बजे का टाइम हो रहा है और 5 बजे की आपके भाई की बुकिंग है। और मुझे ऐसे लगा कि यार थकन की वजह से मैं पहले तो सुस्त पड़ गया, मैंने बोला यार छोड़ देता हूँ, लेकिन बुकिंग की हुई थी उसके भी पैसे ज़ाया होते, तो मैंने बोला चले हिम्मत पकड़ते हैं और बाहर निकलते हैं, हो सकता है टैक्सी मिल जाए। वापसी में आपको आज दुबई के अंदर इफ्तार भी करवाएंगे, ठीक है भाई। अब हम लोग शेख जायद रोड पे हैं और ये सामने नज़र आ रही है भाई बिल्डिंग, म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर। अच्छा ये बिल्डिंग को हम एक अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, सही है ना? मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि इसके अंदर जो है ये म्यूज़ियम बना रहे होंगे, क्या सीन होगा, लेकिन देखें अचानक बस इन्होंने रिवील किया कि भाई इस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो काम हो रहा था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने जो है म्यूज़ियम बना दिया। अच्छा मैंने अभी तक इसकी कोई वीडियो डिटेल में नहीं देखी कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज ही जाके देखेंगे क्या सीन है। ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के साथ ही है, ये एमिरेट्स टावर्स मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे और इसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर देखें ये म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर है। तो अब ज़रा चेक करते हैं इसको, ये देखें, हमेशा हमने सिर्फ मेट्रो से ही देखा था इस बिल्डिंग को, आज करीब से देखने के लिए आए हैं। और इसको द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा है। अब हम लोग अंदर आ गए हैं और अंदर का क्या सीन है, बेहतरीन बिल्डिंग है, वाओ। और लाइन लगी हुई है भाई अच्छी खासी, मुझे लग रहा है 5 बजे की जो शो है उसी की लाइन है। ओके अब डायरेक्ट लाइन में लगना है या नहीं ये ज़रा कंफर्म करना पड़ेगा। भाई ये रिस्ट बैंड दे दिया है और आते के साथ ही आपने रिपोर्ट करना है यहाँ पे रिसेप्शन पे और विदाउट वेस्टिंग टाइम 1 सेकंड के अंदर ही आपकी बुकिंग चेक करेंगे और आपको ये रिस्ट बैंड दे देंगे और आपने इस क्यू को ज्वाइन कर लेना है। अब हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। और ये देखें आप, बिल्डिंग बाहर से जितनी खूबसूरत लग रही है अंदर से भी माशाल्लाह जो है वो इतनी ही खूबसूरत है। ये चेक करें भाई, ये किसी भी चीज़ से हैंग नहीं हुआ है और ये मतलब फ्लाई कर रहा है बाकायदा, बहुत ही लाइट वेट होगा लेकिन ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। और इसको लाजमी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे होंगे। फ्यूचर की चिड़िया आ गई भाई। एक्चुअली इसको जो फ्लाई करने वाला बंदा है वो भी नज़र आ गया, वो देखें वो ऊपर कॉर्नर में बंदा खड़ा हुआ है जो इसको फ्लाई कर रहा है रिमोट से, कंट्रोल कर रहा है, जस्ट लाइक ड्रोन इसकी कंट्रोलिंग हो रही है। यहाँ का टिकट कितना है? 145 दिरहम जो है वो यहाँ का टिकट है और आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और जो भी अवेलेबल स्लॉट आप उसके ऊपर बुक करके यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और ये आपका भाई का, ये खुल गया भाई और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है। 50 लोग एक बारी में अंदर जाते हैं, ठीक है। जर्नी स्टार्ट्स हियर। यहाँ पे भाई पहले ओरिएंटेशन चलेगी कि क्या सीन है पूरा। अस्सलामु अलैकुम, ग्रीटिंग्स एवरीवन, माय नेम इज आर्यन, आई एम द डिजिटल रेजिडेंट ऑफ द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। वेलकम टू माय होम। योर जर्नी बिगिंस इन अ वेरी स्पेशल प्लेस एंड टाइम, हमद बिन राशिद स्पेसपोर्ट, February 2071. The launch is about to start. Follow me. भाई जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गया है और 2071 मोहम्मद बिन राशिद स्पेस पोर्ट पर हम लोग हैं इस वक्त। ये एक सोलर प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूचर के अंदर जो है वो ये लोग प्लान कर रहे हैं, जो कि चांद से जो है वो एनर्जी यहाँ पे डाइवर्ट करेगा और अर्थ के ऊपर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा, कुछ इस तरह का सीन है। यहाँ से जो है वो अपने ओन से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट स्पेस के ऊपर कुछ फ्यूचर प्रोग्राम्स इन्होंने जो है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। एलिवेटर है जिसके अंदर नीचे भी यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके साइड में खड़े रहने का, बीच में नहीं जाना है।
क्योंकि आपको पता है हम लोग स्पेस पोर्ट के ऊपर हैं, तो हर चीज़ जो है ना इसी तरह नज़र आ रही जिस तरह स्पेस है। वाह भाई, नहीं कर भाई, क्यों डरा रहा है? अच्छा, हम लोग वापस जो है वो ज़मीन पे जा रहे हैं। ओह, पाम जुमेरा नज़र आ गया भाई यहाँ से। मतलब पाम जुमेरा के पास ही लैंडिंग होगी हमारी अब। चलें भाई, यहाँ पे लैंडिंग करा रहे हैं हमारी। पहुँच गए भाई नीचे। भाई अब हम आ गए नेक्स्ट, ये एक डिफरेंट जगह है बिल्कुल, और इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, डिफरेंट चीज़ें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने ये बनाने के लिए मेहनत कितनी की है यार, आप ये चेक करें भाई। अब ये जो है ना आपके स्टेप्स को फॉलो करेगी लाइट्स, सही है ना? ये देखें कि मेरे स्टेप्स को फॉलो कर रही है, ठीक है? अब जैसे कोई भी यहाँ से चल के जा रहा है, ये लाइट्स इसके स्टेप्स को फॉलो कर रही है। ये देखें, अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना वो कुछ लेवल की जगह लग रही है, और नीचे बहुत कुछ नज़र आ रहा है आपको। नीचे चल के आपको दिखाते हैं डिटेल में भाईजान। अब असल सीन स्टार्ट हुआ है सेकंड फ्लोर पे, टुमारो टुडे, ठीक है? हाउ वी विल ट्रैवल, ओके? ये आप चेक करें ज़रा, ऑडी की कोई ख़तरनाक किस्म की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है? और अगर इसके अंदर देखें हम, तो ये मैं आपको करीब ले जा के दिखाता हूँ। नेक्स्ट लेवल की कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है भाई? ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, और ये चेक करें भाई, टुमारो टुडे। साइकिल का सीन आप चेक करें कि ये किस तरीके की साइकिल है। ये इन्होंने मॉडल्स बनाए हुए हैं कि फ्यूचर किस तरह का होगा, ठीक है? ये है भाई फ्यूचर। और ये क्या चीज़ है? वॉक्सवैगन, वॉक्सवैगन की वैन है। ये सीन वो जो आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पे उड़ने वाला फ्लाई करने वाला सीन है। इसने पूरी किट पहनी हुई है, ठीक है? और ये क्या है? अब आप सब छोड़ें, हमने DJI के बहुत सारे ड्रोन उड़ाए, ठीक है? और इससे इतना बड़ा ड्रोन मैंने अभी तक नहीं देखा भाई। चेक करें आप ये ड्रोन, चेक करें आप, सही है? मेरा हाथ देखें इसके मुकाबले में ये ड्रोन देखें। और अब इसको मेरे ख्याल से जो है ये फर्टिलाइज़र्स के पर्पज़ के लिए बनाया गया है। यहाँ पे शावर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर कैमरा भी लगा हुआ है कि आप जो भी खेती बाड़ी वगैरह है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह कर सकेंगे। मेरे ख्याल से शायद ये वही टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें हर तरफ जो है वो शावर लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक वाटर टैंक भी दिया हुआ है, जिसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड्स या कोई भी जो है वो केमिकल्स वगैरह डाल के इसको स्प्रे किया जा सके, ठीक है? देखें, ये इन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो रोबोटिक हैंड बनाया है, ठीक है? ये साइबर डॉग बनाया है इन लोगों ने। अच्छा, आप देखें इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी क्या है, कि ये ड्रोन जो है वो अनडिटेक्टेबल है, ठीक है ना? नॉर्मली तो हमने ड्रोन देखे होंगे वो डिटेक्टेबल होते हैं, ये अनडिटेक्टेबल है और 130 मीटर तक अनडिटेक्टेबल है, ठीक है? और ऑब्जर्व कर सकता है लोगों को 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर, रात को 150 मीटर की रेंज के अंदर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। मतलब ये सर्विलेंस ड्रोन आप कह सकते हैं इसको। भाई देखें, लास्ट में हम लोग अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आ गए हैं, सही है? यहाँ पे इन्होंने बाहर का भी व्यू इंजॉय करने के लिए गैलरी टाइप बनाई हुई है, ठीक है? और यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हम मेट्रो से गुजरते हुए देखते थे, लेकिन बाहर से देखने में जो है ना ऐसा लगता था कि ये बिल्डिंग का साइज इतना बड़ा नहीं है। आज जब देखा अंदर से इसको, तो आइडिया हो रहा है कि वाकई अंदर से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये, और वाकई अमेजिंग एक्सपीरियंस। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के अंदर, वो सेकंड फ्लोर पे था, जिसके अंदर इन्होंने जो मॉडल्स डिफरेंट खड़े किए हुए थे कि हाउ विल वी ट्रैवल इन नेक्स्ट डिकेड, उसके अंदर जो गाड़ियाँ, उसके अंदर जो साइकिल्स वगैरह थी, मतलब मेरा इंटरेस्ट उन सब चीज़ों के अंदर। सो ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और अब मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि आज इफ्तार भी हमें यहीं पर करना है दुबई में, तो दोस्त जो है वो अबू धाबी से पहुँचने वाले हैं, और अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे जो है ना
फ्यूचर परफ्यूम सेटअप बनाया हुआ है इन लोगों ने। आप कस्टमाइज परफ्यूम अपना खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, ये मशीनरी आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बना के देगी। भाई हमारे दोस्त आ गए हैं और अब इफ्तार में टाइम भी जो है ना बहुत कम रह गया है, ठीक है। तो अब देखें इफ्तार रास्ते में होता है या हम किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? ठीक है। अरे नहीं नहीं सही, आप भाई ये हैं हमारे दोस्त और हम जा रहे हैं इफ्तार के लिए। कहाँ जा रहे हैं भाई? बारबेक्यू नाइट जा रहे हैं भाई। इफ्तार का फुल माहौल बना हुआ है, बारबेक्यू नाइट पे ही ले आए भाई। मतलब कराची जो है ना सेम कराची वाली वाइब्स। बुकिंग पहले से कराई हुई थी इन्होंने क्योंकि रश आप लोग देख रहे हैं कितना है। टाइम हो गया इफ्तार का, इसके बाद फिर सामने बूफे का सिस्टम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकोला मिल्क नहीं है और आज कोई नई चीज़ हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। भाई ये कौन सा जूस है? अच्छा लेमन मार्गरीटा। गर्मी के अंदर जो है ना ये बेहतरीन होता है। ये देखें भाई हमें आज इफ्तार के अंदर जो है ना अच्छा खासा मेन्यू मिला है, ठीक है। इसके अंदर हमने सारा बारबेक्यू लिया है, सही है, जिसके अंदर बीफ सीख कबाब भी है, फिर मलाई बोटी भी है, यहाँ पे फ़िश है और ये नगेट्स हैं, चिप्स हैं। इसके बाद फिर यहाँ चिकन बिरयानी है और यहाँ अफ़गानी पुलाव है और यहाँ पर रोटी है और ये रूह अफ़ज़ा है, ये रूह अफ़ज़ा है और ये लेमन मार्गरीटा है, ठीक है। समोसों का सीन अभी आ रहा है, सही है ना, फुल देसी खाना है यहाँ पर। आलू का समोसा भी आ गया, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं सारी चीज़ें। लग ही नहीं रहा कराची से बाहर निकले हैं, इस लगे कराची में बैठे हैं। अब भाई बिरयानी ट्राई करेंगे लोग, बिरयानी कैसी है। कराची में तो बड़ी ख़तरनाक स्पाइसी किस्म की बिरयानी होती है। बिरयानी अच्छी है लेकिन मसाला बहुत नॉर्मल है। अब बारी है अफगानी पुलाव की, ये देखें। आपने सुपर हाईवे पे खाया अफगानी पुलाव कराची में? नहीं खाया। आप वहाँ आएंगे तो हम आपको वहाँ का अफगानी पुलाव खिलाएंगे इंशाल्लाह। अब बारी भाई चिकन सीख कबाब की। स्ट्रीट फूड में और किसी बड़े रेस्टोरेंट के अंदर एक चीज़ का बड़ा फ़र्क होता है, स्ट्रीट फूड के जो मसाले होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वैसे भी अगर आप कराची में किसी बड़े रेस्टोरेंट पर जाके खाएंगे तो वहाँ पे जो है बड़े नॉर्मल मसाले के साथ खाना बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। ये फ़िश है भाई, फिश ट्राई करते हैं। फ़िश भी अच्छी है और ये शाश्लिक चिकन है, शाश्लिक चिकन अच्छी है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। आपके भाई का दिल चाह रहा है कि आलू के समोसा आधा पड़ा हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पूरा कर लेना है। तो भाई ये था एक दिन दुबई के अंदर जिसमें हमने सोचा कि म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। तो हमने आपके साथ भी शेयर किया और साथ साथ हमने एक इफ्तार भी कर लिया, तो इट वाज अ गुड डे। और लेकिन बहुत थकन हो गई है भाई, और तो होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुस्तफ़ा हनीफ 26 के नाम से मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।